एज कपल तो जो होता है बहुत सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेबल होती हैं. सारी कपल्स का यही होता है, हंसना रोना, मोहब्बत, लड़ाई झगड़े. लेकिन एज अगर मैं पर्सनालिटी की बात करूं तो सारे लोगों की पर्सनालिटी एक दूसरे से डिफरेंट होती है. तो अब हम आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी के ऊपर जाएंगे, ठीक है ना. और जो मैं आपसे सवाल करूंगी उसका आप लोगों ने जवाब इस तरह देना है कि आई हैव नेवर, आई हैव, ठीक है. क्या आप लोगों ने कभी रॉन्ग नंबर पे बात की, लंबी लंबी बात की, जब CLI नहीं होता था, जब बचपन में ऐसी रैंडम किसी से और या किसी से भी ऐसे? मैं बहुत पारसा थी. पता थोड़ी चलना था कौन है. मतलब मजाक में फ्रेंड्स कॉल करते थे लाइक लोगों को के फ्रिज चल रहे हैं. अच्छा तो जाके पकड़ने वाले जो घिसे पिटे होते थे जिसे दैट्स इट नॉट के ये तो बता ही नहीं रहे अब ये तो मैं क्या बताऊं है भाई अब उधर उधर परेशानी हो रही है. जाने दिया करो ये बातें. हुई है कभी रॉन्ग नंबर पे बात बचपन में? आई थिंक और अगर हुई है तो कितने दिन तक चली है रॉन्ग नंबर वाली बात? नहीं, एक आधी बार कभी किसी का रॉन्ग नंबर किसी अंकल की कॉल आ गई. अंकल कर दिया. कवर अब अच्छी स्टोरी की आपने. बहुत अच्छा कवर. अंकल पे क्या कहते होंगे? बस आगे बात भूल गई. अबू कैसे हैं? हां बिल्कुल ठीक है. स्टोरी कोई और थी ना आगे. अब कैसे बना यहां क्या? मुझे एक साहब ने कॉल की, बहुत पहले की बात है. सबको साहब की कॉल. एक सुनो बड़ा जेंडर चेंज. उसने मुझे कहा रिजवान साहब क्या? मैंने कहा सॉरी सर ये रिजवान साहब का नंबर नहीं. केंद्र से जी आप कौन? मैंने कहा जी रिजवान साहब तो फौत हो गए. उस बंदे को धचका लग गया. मैं क्या मैं कहा जी अब मैं ड्राइव कर रहा हूँ. मैं कहा जी आपको नहीं पता चला? मैंने कहते हुआ क्या था? मैं कहा सर्फ खा लिया था उन्होंने. मैं उनको अब मैं लंबाई करूँ. उसको पहले 30 सेकंड नहीं समझ आया कि हुआ क्या. वो सदमे में था. फिर उसको समझ आ गया कि वाकई रॉन्ग नंबर. मुझे इतनी मोटी गाली दी फोन. आपने तो रिजवान साहब को मार ही दिया. मैं मार दिया उनको मैंने. और आपने रबी का कैसे? हम लोग शुरू के टाइम में जब जोंग के कॉल सेंटर फ्री होते थे तो हम सारी कजिन्स गर्मियों की छुट्टियों में इकट्ठे घर में जमा हो जाती थी. तो हमें कोई और एक्टिविटी नहीं मिलती थी तो हम जोंग के हेल्पलाइन पे फ्री कॉल्स करते थे. फ्री में ब्रांडिंग हो गई. ब्रांडिंग फ्री में हो गई यहां पे. और हम माशाल्लाह से कजिन्स, हम 9-10 कजिन्स हैं. आपके मियां ने तो किसी और का इश्तिहार किया था. ये तो बड़ा मसला हो गया. चलो उसका नाम ले ओके नेक्स्ट सवाल. अच्छा कभी ऐसा हुआ कि आपको जो तोहफा मिला हो वो आपने आगे पास किया? बहुत बार. आई हैव नेवर इनको तो पता नहीं चलता कि वो तोहफा में छुपा लेती हूँ. सबसे बाद में कभी जरूरत पड़े तो मैं किसी और को आगे. ये करते ये हर घर में होता है. झूठ बोल अल्लाह की कसम मेरी ये साजिश नहीं है. तुमने मेरी मैंने नहीं किया भाई. हेलो घर मुझे दिया हुआ तो वो वापस तुम तक आया है तो हाँ. नहीं मैं हम लोग तो कर देते, हम दोनों कर देते हैं, पास ऑन कर देते हैं. लेकिन आपको ऐसा क्या तोहफा है जो आपको लगता है कि मेरे लिए नहीं बना? अक्सर तोहफे मुझे पसंद नहीं आते. मैं लोगों कहते मुझे कैश दिया करो. मुझे देने में भी कैश पसंद है क्योंकि मुझे एक्चुअली लगता है कि आप लोगों के घर में इतनी क्लटर और ये इतनी चीजें हो गई हैं. बचपन की बात अलग होती है. हाँ. वो ओल्डर इतना सामान जमा हो जाता है कि फजूल के गिफ्ट्स की कोई जगह नहीं होती. ज्यादातर गिफ्ट्स मेरे पास ऑन हो जाते हैं. और आपको क्या लगता है कि भाई ये गिफ्ट मुझे ना दो? मुझे गिफ्ट्स हमेशा अच्छे लगते हैं चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि या तो आपके पर्सनल यूज में आ जाते हैं या फिर कहीं देने में काम आ जाते हैं. तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जब आप इमरजेंसी में कहीं जा रहे हो और आपको कुछ अभी टाइम नहीं है, तो मैंने पूरा अपना बॉक्स बनाया है जहाँ पे मेरे सारी चीजें. ये बातें हैं सारी. कोई गिफ्ट अगर ऐसा है कि जैसे उसमें लाइक चॉकलेट्स आएंगे तो वो तो मतलब ना उसके सेक्शंस हो जाते हैं कि ये बच्चों में जाएंगे. अच्छा ओके. और स्पेशली बच्चों वाले घर में जाएंगे. सही. लेकिन अगर किसी ने कोई क्रॉकरी आइटम दे दिया वो तो नहीं जाता. सवाल ही नहीं पैदा होता भाई. वो तो ऐसा है मतलब घर में सबसे ज्यादा मेन जगह पे कोई डेकोरेशन पीस आ गया वो रहता है. वो नहीं जाता. जिन्हें पता है उन्हें पता है कि पसंद ना पसंद क्रॉकरी है. हां क्रॉकरी पसंद. क्रॉकरी पसंद. अच्छा है ना मैंने जरा पूछ के बता भी दिया. और जिसने देना है क्रॉकरी. ये आप समझे मेरी साजिश है ये. ओके अच्छा क्या कभी ऐसा किया आपने, आप कहीं ट्रैवलिंग पे किसी होटल में स्टे किया हो और उस वहाँ से शैम्पू टूथपेस्ट
कोई स्लिपर, कोई तौलिया उड़ा के लाए. होटल में रहने जाते तो छुप छुपा के करते. मेरी एक दोस्त थी, हम लोग साथ पिज्जा हट खाना खाने गए तो थोड़ी देर बाद उसने चमचे और कांटे साफ करना शुरू कर दी. मैंने कहा इतना भी सलीका मत दिखाओ, क्या कर रही हो, सफाई क्यों कर रही हो? क्योंकि वो फोल्ड करके अपने पर्स में रख रही थी चमचे कांटे. मैंने कहा मत करो, मेरा कोई नाम है खुदा के वास्ते, मत करो निदा, यहाँ से चोरी कांटे, चोरी कांटे चोरी करके मैं पकड़ी हुई. नहीं उसको आदत थी, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओ कोई नमकदानी, कह रही मेरी तो हॉबी है ये, कोई नमकदानी कोई चीज उसके पास होती थी. क्रिमिनल टाइप. मेरी बहुत अच्छी दोस्त है लेकिन उसकी ये आदत क्या. और आप अपने घर बुलाती थी उन्हें? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. और जाते वक्त पर्स चेक करती थी कि नहीं करती थी? पर्स में क्या है, पर्स में क्या है. ओके अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने शादी क्रैश की हो, अनजानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना? आई हैव नेवर. क्या किया आपने, किसकी शादी में खुश हुए? ऐसे ही दोस्त यार सारे लड़के. एक बंदे ने, मेरे एक दोस्त आया था कराची, ही वाज परफॉर्मिंग. अच्छा तो मुझे खारिज होगी. मैंने कहा भाई तू आया हुआ कराची, यू आर नॉट कमिंग होम. हाँ. कहते यार भाई जी मैं इधर शादी में बिजी हूँ. ऐसी की तैसी मैं आ रहा हूँ. मैं इंटर हो गया. हाँ. शादी वाले बेचारे परेशान हो गए, ये कहाँ से आ गए ना. और वो खूब वहाँ पे और आप उस शफात बन चुके थे. हाँ हाँ, ये अभी साल डेढ़ साल पहले की बात है. अल्लाह. मैं घुस गया उधर. मैं कहा भाईजान चलो स्टेज से ही चलो ना. उन्होंने कहा भाई परफॉर्म करो. मैं वहां परफॉर्म भी कर लिया फ्री में. फ्री में इसलिए तो इतने शफात लोग के बुलावली आवाज निकाल के पहले. और वो भी पुरानी बात है कि ऐसे चले गए, नथिंग इंटरेस्टिंग. मैंने कहा सब उठा रहे मैं भी उठा. ऐसी सॉलिड स्टोरी. आजकल तो बच्चे जो मेरे बच्चे बाकायदा मिलकर पूरा ग्रुप जाता है क्रैश करने. फैशन ट्रेंड चल गया, शादी क्रैश करते हैं. अच्छा जेन ज़ी होंगे. खाना खाने जाते हैं, बस खा के आ जाते हैं. ओके अच्छा, कभी अपने स्पाउस की जेब से पैसे चुराए हैं आप लोगों ने? यस आई हैव नेवर. यहाँ तो दोनों में आया. पहले तो मैं यहाँ से हटाऊँ ना. अक्सर ऐसा होता है ना, चेंज नहीं मिलता तो दूसरे का पर्स खोल लेते हैं. मैं तो इन्हीं का पर्स पहले खोलती हूँ, अपना पर्स में देखती हूँ. अच्छा. और आप कैसे कब निकालते, कब चोरी करते, इनको पता भी नहीं चलता? 99% ये होता है कि घंटी बजती है और घंटी बज के वो कहते हैं जी जावेद अख्तर बड़े खुश हो रहे होंगे आज आप ये शो देख के. जावेद अख्तर भाई हेलो, हाथ ला दें. अच्छा अब मैं अब क्या कहूँगा, रो तो नहीं सकते यहाँ बैठ के. अच्छा खैर वो आते जी ये है पार्सल है पैसे. हाँ. अब मैं बटवा खोलता हूँ, बटवा खाली. अच्छा अल्लाह की शान है बटवा मेरा खुद ब खुद पैसे खाता है. ये कोई मौजा है हमारे घर में. तो फिर मुझे यकीन है. अच्छा और मजे की बात, इसके पास में हमेशा पैसे होते हैं, वॉलेट में हमेशा होते हैं. ये बरकत है, बहुत बरकत. मेरा वॉलेट जो है पैसे कमाता है, बनाता है, खाता है, मेरा बनाता है. और यहाँ का हमारा भी यही है, अबूजर के वॉलेट में हमेशा. अबूजर के वॉलेट में कार्ड होल्डर टाइप है, इजी टू यूज ना, तो सारे नोट आपको बाहर. आप भी देखना, आपको लेना हो कुछ आप भी ले सकते हो. डिस्प्ले भी होता है तो आपको नहीं भी जरूरत होती, आप कहते यार 5000 का नोट दो. अट्रैक्शन आ रही है, वॉलेट ऐसा है, नोट नजर आते हैं.